अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अनायस किचन। अनायस किचन में आज मैं आप लोग के लिए पाइनएप्पल आइस केक लेकर आई हूँ। इसके लिए हम पहले पैन को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बटर पेपर लिया और इसको मैंने नीचे रख के ऐसे मेजरिंग कर ली थी, तो इसका साइज़ रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मैं ऑयल डाल के पहले ऑयलिंग करूँगी। ऑयल हम अच्छी तरह लगाएंगे सब तरफ और फिर ये बटर पेपर इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया और ये ऑयल का जो ब्रश है से मैं इसको दोबारा ऑयल रिपीट कर दूंगी। ये देखिए, हमारा पैन रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर मैदा डस्ट करूंगी। इससे जो है हमारा केक नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छा से रेडी हो जाएगा हमारा केक। ये देखें, जितना एक्सेस मैदा है वो हम उसको निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारा पैन रेडी हो गया। अब हम मेजरिंग की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, एक बाउल ले लिया और ये जो है तकरीबन चार अंडे हैं, चार अंडों को हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये जर्दी मैं अलहदा कर लूँगी और सफ़ेदी अलहदा कर लूँगी। तकरीबन ये 2 पाउंड का केक होगा। 8 बाय 8 इंच का पैन ले लें, स्क्वायर में लूँगी, आप चाहें तो राउंड भी ले लें। ये देखें, चार जो है मैं जर्दी लूँगी। इससे जो है हमारा केक जो है ना स्पंज बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है, बहुत फ्लफ़ी बनता है। वैसे आप चाहें तो अंडा, पूरा अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी जर्दी अलहदा कर देंगी तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप देखिएगा कि जब मैं इसको बीट करूँगी तो कितना अच्छा फोमी इसका बैटर बनेगा सफ़ेदी का। जर्दी के साथ हम बीट करेंगे तो इतना नहीं होगा हमारा, वो बस बीट हो जाएगा, वो हमारी शुगर को बीट कर देगा। लेकिन आप देखिएगा जब मैं सफ़ेदी को अलहदा करूँगी बीट, तो आप देखिएगा कितना अच्छा ये फ्लफ़ी और कितना फोमी हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मेजरिंग स्पून मैं यूज़ करूँगी बेकिंग के अंदर। ये देखें, तकरीबन 1 शुगर हम लेंगे, 8 टेबल स्पून, 4 अंडे हैं, 4 ऑन्स, ये देखें आइसिंग शुगर है, पिसी हुई चीनी है। 4 ऑन्स का मतलब है 8 टेबल स्पून। ये देखें, अभी इसको पहले मैं अभी मिक्स कर रही हूँ, अभी मैंने बीटर ऑन नहीं किया। अब ये देखें, अच्छा सा हम इसको बीट करेंगे कि ये फोमी टेक्सचर हो जाए इसका। और ये शुगर और ये सफ़ेदी हमारी अच्छी से बीट हो जाए। और अगर हम जर्दी के साथ करेंगे तो कभी भी हमारा ये फोमी टेक्सचर नहीं हो। ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है हमने क्रीम को व्हिप किया है, बिल्कुल ऐसा ही हमारा हो गया है। आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करिएगा कि बिल्कुल फोमी शेप हो जाए। ये देखिए, ये हमारा बीट हो गया। अब मैं इसके अंदर जर्दी ऐड करूँगी, थोड़ी थोड़ी करके मैं शामिल करूँगी। अब मैं इसको बीट करूँगी। ये देखें, हाफ मैंने डाल दिया, अब मैं हाफ दोबारा डालूंगी इसके अंदर। इसी से हमारा जो स्पंज बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, बाकी मैंने बची हुई जर्दी इसमें शामिल कर दिया और इसको मैं बीट करूंगी। मैंने वनीला आइस केक बनाया था, इसकी बहुत लोगों ने पसंद किया था, तो इसलिए मैंने अब पाइनएप्पल आइस केक लेकर आई हूँ। और ये मैं थोड़ा तफसील से बता रही हूँ क्योंकि लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बताया था, तो इसीलिए थोड़ी मेरी लंबी वीडियो हो गई है। लेकिन आप इसको पूरी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना ईजी केक है और इतनी आसानी से आप बना सकते हैं। अब ये देखिए, वनीला एसेंस 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ। मैं जितनी भी चीज़ें जाऊँगी मेजरिंग स्पून से मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। ये देखिए, वनीला एसेंस मैंने ऐड कर दिया। अब मैं हल्का सा मैंने बीटर चला दिया, मिक्स कर दिया। अब मैं मैदे को छानूंगी। ये देखें, तकरीबन 4 ऑन्स का मतलब है 8 टेबल स्पून। ये देखें, 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने मैदे को पहले ही छान लिया, अब मैं 4 आपके सामने शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ये देखें 4 चमची यानी 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया और 1 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी इसके अंदर। अब इसको हम छान लेंगे अच्छे सा।
बेकिंग में आप मैद यानी ड्राई इंग्रेडिएंट को ज़रूर हमें छानना है, ये बेकिंग का रूल है। ये देखिए अच्छा सा मैंने इसको छान लिया, बस ये अब हम स्पंज में कि जो हमने वो जो एग का और शुगर का बैटर बनाया उस पर हम शामिल करेंगे। तो ये हमारा स्पंज का रेडी हो गया बैटर। ये देखें मैदा भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इस पर मिक्स करूँगी, अभी फोल्ड करूँगी मैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। ये देखिए अभी मैं फोल्ड करूँ तो ये देखिए लम्स है अभी इसके अंदर। ये देखिए बाकी बचा हुआ मैं इसमें शामिल कर दूंगी सारा। मैं इसको इसलिए फोल्ड कर रही हूँ कि अगर हम डायरेक्ट इसके अंदर बीटर चलाएंगे तो ये सारा मैदा ना उड़ जाएगा और हमारे ऊपर आ जाएगा। तो पहले मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ और ये लाइट सा, ये देखिए मैंने बीटर चला दिया। बस ये देखिए तमाम चीज़ें हमारी अच्छी से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको पैन में शामिल करूँगी। ये देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए इसकी स्मूथनेस देखिए आप कितनी ज़बरदस्त, ये हमारा बैटर रेडी हुआ है सारा, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। टैप ज़रूर करिएगा ताकि जो भी एयर हो या बबल्स हो वो सारी इसके अंदर से निकल जाए। पैन मैंने पहले ही प्री हीट कर दिया है। ये देखिए कढ़ाई ली है मैंने, आप चाहें कुकर ले लें। ये देखिए पहले ही प्री हीट कर लिया था मैंने। अब स्पंज ये कि पहले ही हमारा पैन प्रीहीट हो गया था तो इसको अब मैं थोड़ी मीडियम फ्लेम पे अभी रखूँगी, हाई फ्लेम पे मत रखिए क्योंकि स्पंज हमारा जल जाएगा। ये देखें तकरीबन ये 25 मिनट्स में हमारा रेडी हो गया। ये देखिए आप, ये देखिए नीचे से देखिए कितना अच्छी इसकी लेयर आई है, कितना सॉफ्ट है। ये देखिए और स्पंज देखें आप कितना थिक बना है हमारा, ये 8x8 का पैन था। ये देखें विपी विप क्रीम ली मैंने 1 कप और ये 1/4 यानी 1.25 कप मैंने विपी विप क्रीम ली है। इसको हम अच्छे से बीट करेंगे, इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल क्रीम लेंगे तो उसके अंदर आपको आइसिंग शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। अच्छे से हम इसको बीट करेंगे कि हम बाउल को उलट कर देखेंगे तो ये हमारी क्रीम बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। ये देखिए अब मैं स्पंज बीच में से काट रही हूँ। क्रीम मैंने बहुत दफ़ा आपको विप करना बताई है। ये देखिए ये मैं पाइनएप्पल केक बना रही थी, मैंने पाइनएप्पल का सिरप लिया है, टिन खोला था मैंने, ये वही सिरप है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर और ऐड करी है। और स्पंज को आप जितना अच्छा यानी इसको सिरप से गीला करेंगे तो हमारा केक उतना ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा। क्रीम मैंने आपको बहुत दफ़ा विप करनी बताई है, अच्छी सी विप करिएगा। ये देखिए जो मैंने सेंटर से कट किया था उस पर मैं लेयर लगा रही हूँ, उस पर भी अच्छी थिक लेयर लगाइएगा आप लोग। ये देखिए अच्छी सी हम लेयर लगाएंगे। विपी विप क्रीम में हमें शुगर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी शुगर होती है। ये देखिए मैंने अच्छी सी लेयर लगा दी। अब ये देखिए पाइन एप्पल का मैंने टिन खोला, ये तकरीबन इसके साथ मिक्स फ्रूट होते हैं, पाइन एप्पल इसमें ज़्यादा, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। फ्रूट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप जितने डालना चाहें, सब तरफ हम मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए मैंने तमाम पाइनएप्पल इसमें शामिल कर दिए। ये देखिए थोड़े से मैंने कलर वाले फ्रूट्स भी इसमें शामिल कर दिए। ये फ्रूट डालने के बाद अब ये देखिए मैं केक की लेयर दूसरी इस पर रख रही हूँ। इसको भी मैंने पाइनएप्पल सिरप और चीनी का जो मैंने सिरप बनाया था मिक्स करके वो मैंने इस पर लगा दिया है सिरप। आप चाहें तो खाली पानी और चीनी का भी सिरप बना सकते हैं। अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। जो हमारी क्रीम है वो बहुत ठंडी होनी चाहिए यख, तो हमारी आइसिंग बहुत अच्छी होगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप ये जो हमारी आइसिंग है इसको हम फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि हमारी जो क्रीम है वो अच्छी चिल हो जाए। ये देखिए मोटी सी लेयर मैंने इस पर डाल दी है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी पूरा ऊपर से।
ये देखें, अब हम साइड की लेयर को कवर करेंगे। ये देखिए आप, 4 अंडों से हमारा कितना अच्छा और कितना बड़ा केक रेडी हो जाएगा, आप देखिएगा। ये देखिए साइड में भी मैं क्रीम लगाती जा रही हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे घर में एक नॉर्मल बंदा बनाता है। ये देखिए आप, कोई मेरे पास वो टर्निंग टेबल नहीं है कि मैं उसको राउंड राउंड करके आपको केक बता रही हूँ। ये देखिए नॉर्मल सा एक मैंने स्टैंड लिया है, उस पर मैंने प्लेट रख के और मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि आप इजीली घर में कैसे बना सकते हैं बर्थडे केक वगैरह, इसको अच्छा सा आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखें तकरीबन मेरी आइसिंग कंप्लीट हो रही है, मैंने साइड से भी इसको कर दिया। ऊपर की आइसिंग मैं बस थोड़ी सी फिनिशिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैं ऊपर से डेकोरेट करूँगी तो सब छुप जाएगी, लेकिन मैं साइड को अच्छा कवर करूँगी। आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करिएगा, इसकी सरफेस को ये देखें स्मूथ करते जाइएगा। ये देखिए जो पाइनएप्पल के पीसीस थे, तो उससे मैं फ्लावर बना रही हूँ। बहुत इजी तरीके से आप बहुत अच्छा और बहुत यमी केक आप घर में बना सकते हैं। आप जो हमने पाइनएप्पल और चीनी का जो हमने सिरप बनाया था, इसको डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेगा, इससे हमारा केक बहुत जूसी बनेगा। ये देखिए मैं इसके छोटे छोटे फ्लावर्स बनाती जा रही हूँ, एक फ्लावर मैं और बनाऊँगी। ये देखिए थर्ड वाला अब मैं बना रही हूँ, आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को ये वीडियो वो बताई है, क्योंकि मुझे कंप्लेन आई थी कि मैंने ये जो मैंने पैन वो वनीला केक बताया था उसमें मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया है, मैंने डिटेल में नहीं बताया। लेकिन ये देखिए आप, मैं पाइनएप्पल केक मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता सकूं। ये देखिए अब जो मेरी पाइप आइसिंग बची थी वो मैंने पाइपिंग बैग में डाला है। ये देखिए, और थोड़ा फ्लावर वाला मैंने ये नोज़िल लिया है और इससे मैं इसको डेकोरेट करती जा रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप कलर भी ऐड कर सकते हैं क्रीम में, आप चाहें तो ऊपर कलर वाली ये डिज़ाइन दे सकते हैं कलर में, लेकिन मैंने वाइट ही रखा है। ये देखें ये मैं इसको फिल करती जा रही हूँ। वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा एक केक ज़रूर पसंद आएगा, और ये बना भी बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत ही यमी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें ये लास्ट की क्रीम है, इसको भी मैं यहाँ फिल कर दूँगी। ये देखें ये मेरा केक देखें रेडी हो गया है, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त हमारा केक लग रहा है। ज़रूर आप लोग बनाइएगा और मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।